बाहुबली फिल्म की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया मेरे साथ हैं। संसद भवन में पहुंची है। महिला आरक्षण बिल पे चर्चा के दौरान वो सदन में देखने गई थी कार्यवाही। मैडम क्या कहेंगी, चर्चा चल रही है और इस फिल्म से महिलाओं पे क्या असर हुआ? फिल्म नहीं, महिला आरक्षण बिल से महिलाओं पे क्या असर होगा? जो महिला आरक्षण बिल है वो बहुत ही एक जरूरी बिल है जो पास हुआ है। और मैंने राज्यसभा में जो सेशन देखा उसमें जब मैंने सब लोगों को बात करते हुए सुना, मुझे समझ में आया कि ये आम लोगों की पीड़ा को सॉल्व करने का पहला कदम है। और हमेशा से हमारा देश एक महाशक्ति बने, यही एक आशा रही है एक नागरिक के मेरे एक नागरिक होते नाते। बट अगर हम वो सच में चाहते तो आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन हमें मिलना बहुत जरूरी है और ये बिल उसे मुमकिन करेगा। आपको लगता है कि मोदी जी इसको करने में कामयाब होंगे? बिल्कुल। आई थिंक हमारी देश की औरतें हर फील्ड में बहुत 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 आगे गई हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एविएशन हो, कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, हर चीज में वो आगे बढ़ी हैं। और वो तो फिर वो देश क्यों नहीं चला सकते? और ये सबको प्रेरित, आम आदमी को प्रेरित करेगा कि राजनीति कोई उनके लिए अनएक्सेसिबल नहीं है। जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री में लोग सोचते हैं कि अनएक्सेसिबल है, लोग राजनीति को भी अपनाएंगे। एंड इसमें अगर हम अंदर घुसे ही तो हम इसका कुछ कर सकते हैं, औरतों की काफी सारी समस्याएं को हैंडल कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। यदि तमन्ना भाटिया इनका साफ कहना है, ये जो बिल आया है उससे महिलाओं की एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और संसद में भी वो आएंगी। और ऐसा कोई फील्ड नहीं जिसमें महिलाएं कुछ बेहतर नहीं कर सकती, और ये इस दिशा में, यानी महिला आरक्षण बिल इस दिशा में, ये एक बेहतर प्रयास है। कुमार गौरव, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।